गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 13 जुलाई 2020। 13 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी सर, हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि हम रोजाना बहुत सारी चीजें सर आराम से सीखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन बेहतरीन तरीके से। हाल ही में किस देश में कोविड-19 से भी घातक बीमारी होने का दावा किया जा रहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है। कोविड-19, जिसको आप कोरोना कहते हैं सर, इस कोरोना से घातक बीमारी का होने का दावा किया जा रहा है। देखिए सर, चाइना की पॉलिटिकल कितनी बड़ी राजनीति करता है चाइना। चाइना ने कहा है कि हमारे कोरोना से ज्यादा तो कजाकिस्तान में भैया जो चल रहा है ना निमोनिया, बिल्कुल जिसे सर हम अज्ञात निमोनिया कहते हैं, वो भैया कोरोना से भी ज्यादा घातक है। हम बता दें मेरे प्यारे मित्रों, कोरोना है ना, कोरोना की तो मृत्यु दर बहुत कम है, 0.2 में है कुछ। और कोरोना की वजह से, चाइना ने कहा है कि कोरोना की वजह से नहीं, आपकी बीमारी की वजह से कजाकिस्तान में जो मृत्यु हुई है लगभग 700, 750 के लगभग हुई है, वो सर आपकी बीमारी से हुई है। हमारी कोई बीमारी कोरोना से नहीं है, जिसे हमने छोड़ा है भैया उससे आपके यहाँ मृत्यु नहीं हुई है, ये तो आपके द्वारा फैलाया गया रायता है। किसने कहा है? चाइना ने कहा है, अफगानिस्तान से कहा है। अफगानिस्तान की आबादी कितनी है सर? हमने गजब बात पूछी आपने सर, 1.83 करोड़ आबादी है। बस बताइए, इतनी छोटी सी आबादी में 750 लोगों की मृत्यु का होना सर, बड़े दुखद की बात है मेरे प्यारे साथियों। और भैया, जब कजाकिस्तान ने कहा ये कोरोना की वजह से मृत्यु हो रही है, तो चाइना ने कहा भैया ये अननोन जो निमोनिया है ना आपके यहाँ पर, जिसके बिल्कुल सिम्टम भैया कोरोना की तरीके से जुखाम खांसी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भैया प्रभावित करता है। कजाकिस्तान से चाइना ने कह दिया ये आपके फैलाए रायते से, हमारे किसी से नहीं है। अच्छी बात है सर। सवाल बना, हमारे बहुत सारे प्यारे साथी नए जुड़ते हैं, कहेंगे सर कजाकिस्तान ही नहीं पता है हमें कहाँ पर है। हमने कि आइए जरा कजाकिस्तान के दर्शन करा देते हैं, और भैया हम अच्छे तरीके से कजाकिस्तान आपको पढ़ाएंगे भी, तो तैयार हो जाइए सर, बढ़े आगे। बिल्कुल, ये थी कहानी। कौन सी बीमारी? अननोन निमोनिया की बीमारी का दावा किया गया है, जिसके सिम्टम कोरोना के लगभग बराबर हैं। बढ़े सर आगे। बिल्कुल आइए सर, प्यारा सा कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी पहले, बदल करके सर नूर सुल्तान कर दी गई है, याद रख लेना चाहिए, ये पेपर में आएगा। अब भैया हम इसकी पूरी गाथा को आराम से खंगाल लेते हैं, क्या है कजाकिस्तान याद करना है। ये सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री हैं सर, कौन से हैं? हमने कहा तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है, क्योंकि सबके पीछे तान लगा हुआ है। जरा आइए एक बार ढंग से अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और भैया उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है। कजाकिस्तान की सीमा किन किन देशों से साझा करती है? तो ये रसिया से लगती है। अरे सर गजब बात कर दी, ये किसी को नहीं पता है। हमने कहा रुको ना यार थोड़ा, रसिया से लगती है, कैस्पियन सागर से लगती है सर, याद कर लेंगे। और कुछ बताओ, हमने कि अभी बताते हैं ना कुछ रोचक। तुर्कमेनिस्तान से लगती है, और सर इधर आराम से उज्बेकिस्तान से लगती है। जरा ये सफेद सफेद सा दिख रहा है जिस जगह मैं गोला कर रहा हूँ कि? हाँ सर बिल्कुल, मैंने कहा ये अरल सागर है। अरल सागर किन दो देशों में सीमा साझा करता है सर, याद रख लेना चाहिए, यूपीएससी में पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ये क्लास हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े होंगे ना, तो शुरू से ही सपने पूरे करने के लिए अपनी मेहनत भैया पूरी 100% करनी चाहिए। अरल सागर है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में सीमा साझा करता है। बिल्कुल बड़े सर आगे।
ये किन किन कंट्री से सीमा साझा करता है ये बता रहे हैं हम। ये सर किर्गिस्तान से लगता है। अच्छा ये बात समझ में आई सर, अब तजाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है सिर्फ हमने की। बिल्कुल सही पकड़े आप जनाब, अब बताएं गजब की बात आपको। देखिए भैया, सबसे ज्यादा सीमा चाइना से लगाता है और इनकी प्यार मोहब्बत चाइना से बहुत थी, पर चाइना किसी से चूकता है क्या सर? चाइना अपने दाए पर कभी नहीं चूकता है, चाइना ने उल्टा पलटवार कर दिया, कह दिया भैया ये हमारे फैलाए हुए रायते से नहीं बीमारी फैली है, आपके द्वारा फैलाया गया रायते से आपकी बीमारी है भैया, जो बिल्कुल कोरोना की जैसे दिखते हैं सिम्टम सेम। ये थी कजाकिस्तान की कहानी। सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री है मेरे प्यारे साथियों, याद कर लेना चाहिए बड़े सर आगे। बिल्कुल, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? जनाब ये तो आपको पहले से ही पता था, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अप्रैल में शायद मैंने भी बताया था कि WHO को फंडिंग देना बंद कर दिया है अंकल ने। अब भैया आधिकारिक रूप से इन्होंने WHO अलग होने का ऐलान कर दिया है। किसने कर दिया है? अमेरिका ने कर दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। जरा आइए अमेरिका के दर्शन करा लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में पूछा जाए ना सर, तो पूरे के पूरे 23 कंट्री हैं। अच्छा सर 23 कंट्री हैं, हमने तो बिल्कुल 50 एक सुना था, हमने की वो गलत पढ़ लिया आपने। उसमें सर USA भी एक कंट्री है। जैसे कि एशिया में भारत एक देश है ना सर, और भारत देश में भैया स्टेट है, इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 23 कंट्री हैं, उसमें से सर एक कंट्री USA है, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं जनाब। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर 50 स्टेट हैं। जैसे अपने यहाँ 50 स्टेट होती है, अपने यहाँ 5 स्टेट होती हैं, इसी तरीका से संयुक्त राज्य अमेरिका में भैया 50 स्टेट हैं। बिल्कुल अच्छी बात है सर, यहाँ के अंकल हैं, हमने की बिल्कुल सही कहा। सर ये वाला क्या दिख रहा है? हमने की किधर? ये वाला। हमने की जनाब ये तो हमने मल्टीपल टाइम सिखाया है, हमारे जो भी पुराने साथी हैं ना मेरे प्यारे साथियों, उनको मैंने बेहतरीन तरीके से बताया है। इन्हें हम ग्रेट लेक कहते हैं, मल्टीपल एग्जाम में पूछी जाती हैं। जना आइए हम ग्रेट लेक के बारे में बात कर ही लेते हैं। सुपीरियर लेक, अब तो भैया हमारे सपने बहुत बड़े हो गए हैं, हमने की बिल्कुल हो गए हैं, तो कुछ हम ज्यादा सीखेंगे ना एक्स्ट्रा में, हमने की बिल्कुल। ये सर सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, आयरे झील, ओंटेरियो झील, मिशिगन झील, जरा पूछा जाता है सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को कौन जोड़ता है, तो सू नहर के द्वारा दोनों झीलें जुड़ी होती हैं। अब की बार मैं आपसे पूछूंगा, इस वजह से मेरे प्यारे मित्रों ये नोट करके लिख लेना है आपको। और सर ह्यूरोन झील मिशिगन झील से किस जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है, तो मैकिनॉक जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। और ह्यूरोन झील आयरे झील किसके द्वारा? सेंट क्लियर नदी के द्वारा। और आयरे और ओंटेरियो झील बेलेंड नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे मित्रों नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। बड़े सर आगे। बिल्कुल, हाल ही में इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सर कब बना था? हमने कहा 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी सर, कर्नाटक के बेंगलुरु में की गई थी। हमने की अच्छी बात है सर, किस देश के अमेजोनिया उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? अरे सर इसरो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम नहीं कर रहा, क्या ये फ्री में कर रहा है, प्यार मोहब्बत में कर रहा है कि पैसे ऐसे लेगा? हमने कि भैया आज के ज़माने में कोई प्यार मोहब्बत नहीं करता है, इसके पैसे के मामले में कोई नहीं भाई, पैसा चाहिए। इसरो ने सर अपना PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक GSLV होता है। अरे सर इनमें अंतर क्या होता है PSLV और GSLV में? हमने की यार गजब बात कर दी आपने, तो ये भी नहीं पता है आपको PSLV GSLV? हमने तो मल्टीपल टाइम पढ़ाया था कि ये भैया पृथ्वी है, ये पृथ्वी के ऊपर 200 किलोमीटर तक जाएंगे, उसे हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और 200 से सर ऊपर जाएंगे लगभग 20,000 किलोमीटर तक, उसे हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। 20,000 से सर और ऊपर जाएंगे ना, कम से कम 30-35,000 किलोमीटर तक, उसे हम हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। अच्छा सर ये व्हीकल है,
हमने की गजब बात कर दी आपने, ये व्हीकल मतलब ये वहां पर छोड़ने के लिए ले जाने वाला व्हीकल है। हमने की हाँ, उसी को हम PSLV और GSLV कहते हैं। जब किसी भी सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में भेजना होता है तो हम हल्का वाला व्हीकल ले लेते हैं, ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, तो सर हम PSLV यूज करते हैं। जब किसी को हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजना होता है तो जनाब GSLV का यूज करते हैं। ये व्हीकल है भैया, वाहन है, हम पड़ोस में जाएंगे तो अपने साइकिल से सामान ले आएंगे। जब भैया लंबा सफर करेंगे तो हम ट्रेन भी पकड़ते हैं, और अमेरिका जाना है तो भैया एरोप्लेन पकड़ते हैं। ऐसे ही सर ये PSLV और GSLV है। मुझे आशा है कि आपके बहुत बेहतरीन तरीका से अंतर डिफरेंस समझ में आया होगा। सर अमेजोनिया क्या है? सर हमने कहा ये ब्राजील का सैटेलाइट है। अरे सर ब्राजील का सैटेलाइट इसरो भेजेगा? हमने कि यार हाँ, क्यों नहीं भेज सकता। अरे सर ब्राजील वहां पर है, इंडिया यहाँ पर है। हमने कि यार गजब बात कर दी आपने। तो सर कोई भी सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अच्छा सर पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना, तो सर कितने दिन में लगा लेता है? हमने की जनाब ये तो त्रिज्या के ऊपर भैया पेरीफेरी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर पेरीफेरी के हमने की बताना यार, आप भी हद कर देते हैं। ये पृथ्वी है, किधर गया? ये पृथ्वी है सर, ये पृथ्वी के 200 किलोमीटर के ऊपर जाएगा ना ये, तो भैया त्रिज्या कम होगी। इसकी जो परिधि है पेरीफेरी है ये भैया कम होगी। यदि 20,000 हो तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, और भैया ज़्यादा है तो और ज़्यादा त्रिज्या बढ़ जाएगी। यदि ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा ना जनाब, तो 24 घंटे में 7 चक्कर लगा लेता है। और भैया जिस भी देश के ऊपर से जाए आराम से फोटो खींच लो। और इसरो ने तो कहा यार आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, आप क्यों अमेजोनिया कर रहे हो, हमें तो वैसे ही पता है आपके अमेजन जंगल में क्या होता है, आपके ये क्या होता है, आप हम बता देंगे आराम से, आप हमें पैसा दे दो हम बता देंगे क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं आप। बट भैया एक गर्व की बात होती है, ब्राजील ने कहा है सैटेलाइट हम बना दे रहे हैं, हमारे सैटेलाइट को भैया आप भेज दें, तो हम PSLV के जरिए इसके अमेजोनिया फर्स्ट को आराम से लॉन्च करेंगे। सर कब करेंगे? अगस्त में करेंगे जनाब। अच्छा ये थी बात सर अमेजोनिया की। ये अमेजन के जंगल पर सर निगरानी रखने के लिए किया गया है, क्योंकि अमेजन के जंगल दुनिया के फेफड़े कहलाते हैं। सर क्यों दुनिया के फेफड़े कहलाते हैं? ये तो सर अभी हम ब्राजील की बात करेंगे जनाब, तुम अच्छे से तसल्ली से पढ़ेंगे क्या है ब्राजील, क्या है साउथ अमेरिका की कहानी पूरी की पूरी तसल्ली से हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक बार रिवीजन करेंगे। तो ये कहानी समझ में आई आपके? इसरो लॉन्च करेगा, ब्राजील का सैटेलाइट है, अमेजोनिया फर्स्ट उसका नाम है मेरे प्यारे मित्रों, PSLV से लॉन्च करेगा, अगस्त के महीने में लॉन्च करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। बड़े सर आगे ये है प्यारा साहब, आइए जनाब पूरा का पूरा साउथ अमेरिका लेकर के आया हूँ, एक बार तसल्ली से पढ़ाऊंगा फिर भैया, क्योंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस कर रखा है, क्योंकि भैया हम आपको जब तक रटा नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सुशील स्टडी परिवार एक दिन अपनी मंजिल की तरफ भैया बढ़ता जा रहा है। और जिसने ये सपने देखे हैं ना सर, कितनी भी समस्याएं आए समस्या को अवसर में बदल के अपने सपने जरूर पूरे करेगा। ये चिली है ना जनाब? बिल्कुल। अरे सर किधर गया हमारा पेन? भैया चिली है, चिली से ऊपर जाएंगे तो पेरू भैया मिल जाएंगे, पेरू से ऊपर जाएंगे जनाब तो इक्वाडोर मिल जाएगी, इक्वाडोर से ऊपर जाएंगे जनाब तो कोलंबिया मिल जाएगी, कोलंबिया से वेनेजुएला याद कर लेना है, गुआना का पठार पड़ा था, सुरीनेम फ्रेंच गुआना, अरे यही तो ब्राजील है, अरे वही तो ब्राजील है जहाँ अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, इसी का तो अमेजोनिया फर्स्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जनाब। अरे सरहद है ना अमेजन के जंगल? हमने कहा हाँ यार, अमेजन के जंगल को तो दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। हमने की बिल्कुल सही पढ़ा, होता ऐसा है हम बताएं आपको, यहाँ इक्वाडोर से निकलती है इक्वेटर सर, जिसे हम 0 डिग्री पर कहते हैं, 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री में साउथ में मकर रेखा होती है, इन दोनों के बीच में सर 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है। होता क्या है सर, सूर्य का तापमान भूमध्य रेखा पर बहुत ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल सही बात बताई सर। हमने कहा भैया इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, इसके पैसिफिक ओशियन वेस्ट में है, जब यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना जनाब
तो यहाँ भाप बनेगी। अच्छा सर कैसे बनेगी? हमने कहा यार हद कर दी, आपने कभी देखा नहीं है? आपने सर ये कृत्रिम बारिश देखी है, वो सॉरी प्राकृतिक बारिश देखी है? जरा मैं आपको बता दूँ ना कृत्रिम बारिश का उदाहरण कि हाँ सर आपने कभी भी सब्जी बनते हुए किसी भगोने में देखा होगा ना सर, उस पर प्लेट रखी होगी, आप देखना कभी सर उस प्लेट को जब आप उठाएंगे ना तो उस प्लेट के नीचे बूंदें सी बन जाती हैं, जैसे ही उठाएंगे उसे थोड़ी सी भैया वो मिलेगी नमी सी बाहर की, वैसे ही वे बूंदें आराम से टप 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 गिरने लगेंगी। होता ऐसा है पूरे दिन यहाँ सर गर्मी पड़ती है 0 डिग्री पर, शाम के 4 बजे जैसे ही थोड़ी सी नमी होती है ना मेरे जनाब, वैसे ही साहब रोजाना के दिन आए रोजाना सर 4 बजे वर्षा हो जाती है। सर वर्षा इतनी हो जाती है कि यहाँ इतने घने जंगल अमेजन के पाए जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन पर नहीं आ पाता है। अरे सर गजब बात बताई, हमने कहा यहाँ अमेजन नदी बहती है जो दुनिया का सबसे ज्यादा पानी ले जाती है। दोबारा सुनिए, दुनिया का सबसे ज्यादा पानी ले जाती है। मेरे प्यारे साथियों आपने पढ़ा होगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका से निकलती है, और सर आराम से मैंने बताई थी मिस्र होते हुए मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। सर मैंने बताया, दोबारा ध्यान से सुनना है, सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी अमेजन है और सबसे लंबी नदी नील नदी है। सर अमेजन के जंगल इतने घने इसी वजह से बन जाते हैं क्योंकि भैया जिस जगह बारिश होगी आराम से वहाँ फसल अच्छी होगी, बारिश जनाब रोजाना होती है, तो इतने घने जंगल हो गए हैं कि दुनिया का सबसे भैया ऑक्सीजन यहीं से छोड़ा जाता है। आए दिन तो भैया ये रूठ जाते हैं, क्यों रूठ जाते हैं भैया? इसी तो कारण ये सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि हम कहते हैं हम आग लगा देंगे अमेजन के जंगल में, लो ले लो सांस आराम से, क्या लोगे हमें पैसा दो तो हम सांस देंगे आपको। ये आए दिन चर्चा होती रहती है, इनसे पूछते हैं ब्राजील वालों से, पेरू वालों से, बोलविया वालों से, बताइए ना यार क्या चाहिए आपको, हमें पैसे चाहिए तब हम आपको ऑक्सीजन देंगे। ये थी कहानी सर ब्राजील की, अमेजन नदी पाई जाती है, अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, अमेजोनिया फर्स्ट पाया जाता है। सर ये बोलविया है, इधर पराग्वे है, मेरे प्यारे साथी उरुग्वे है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में सर बताएंगे आप डेजर्ट कौन से हैं? हम बता देंगे अभी। पेरू है सर, ये लैंडलॉक कंट्री है, कौन से दो? बोलविया और पराग्वे हैं, याद कर लेना है। ये छुट्टी सी सर जूम वाला ऑप्शन मिल गया है तो हम आपको दिखाई देते हैं, ये छुट्टी सी जिस जगह मैं हाथ कर रहा हूँ ये टिटिकाका सर, टिटिकाका झील है, कहाँ पर बहती है? पेरू और बोलविया में बहती है मेरे प्यारे साथियों। बड़े सर आगे बिल्कुल, ये थी ब्राजील की कहानी, और ब्राजील की कहानी क्या है? अर्जेंटीना का जो भैया है इसकी एंकोकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। अर्जेंटीना बहते, ये अर्जेंटीना है कहाँ से कहाँ तक तो देखना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलविया, सर आराम से होते हुए चिली होते हुए आराम से निकल आता है ये पूरा का पूरा, जिसे हम अर्जेंटीना कहते हैं। अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी एंका का गुआ है, ठीक है सर। बड़े आगे बिल्कुल, ये सर यहाँ एक एंजल्स पाया जाता है, झरना पाया जाता है जिसका नाम एंजल्स है, ये सबसे ऊंचा झरना है, याद रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और आपको डेजर्ट बताने हैं कि चिली में कौन सा डेजर्ट है, अटाकामा है क्या, पैटागोनिया है, और पैटागोनिया है तो किस जगह पर है मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है सर। बढ़े आगे बिल्कुल, हाल ही में इंग्लैंड के जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है, वह किस खेल से बिलोंग करते हैं भाई? दिग्गज फुटबॉलर थे। अरे सर गजब बात बताई आपने, हमने की जी हाँ, जरा हम फोटो दिखाएं आपको। अरे भैया हम फोटो तो लेकर के आए थे, चलो इंग्लैंड की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ये है सर बेल्स, बेल्स और ये है इंग्लैंड, इसे जब मिला लेते हैं दोनों को, इसे हम कहते हैं सर ब्रिटेन कहते हैं। अच्छा, अरे सर बेल्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला लेते हैं ना, इसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और सर इन चारों को नॉर्थ आयरलैंड को भी मिला लेते हैं तो इसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं जनाब। ये इंग्लिश चैनल इधर है, जरा ध्यान से समझना है, और स्टेट ऑफ डोवर है जो सबसे व्यस्त जल संधि है। बड़े सर आगे, ये हैं सर जाक जो आपने अभी देखा मेरे प्यारे साथियों। बड़े सर आगे बिल्कुल, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। ज्ञानेंदर निगोम बाम को,
हॉकी इंडिया ज्ञानेंद्र निगोमबांग। बिल्कुल सर, हमने कहा हम फोटो भी दिखा देंगे ज्ञानेंद्र का, ये हैं सर, मिल जाए तो मुलाकात कर लेना चाहिए। ये किन की जगह पर अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं याद रखना चाहिए, मुश्ताक अहमद ने इस्तीफा दे दिया है इनकी जगह पर, इनको नियुक्त अंतरिम कर दिया है, टेम्परेरी कर दिया है अभी, ठीक है सर। हॉकी आया है माइंड में सवाल बना सर, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, आइए जरा हम चर्चा कर लेते हैं इन पर। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में पूछा जाता है जनाब, बार बार परीक्षा में सर आता है, याद कर लेना चाहिए, रग्बी में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में सर 6, बास्केटबॉल में 5, टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2। मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा जनाब, एक बार वीडियो को सेशन को भैया शेयर कर देना दम लगा करके अपने सारे ग्रुप में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है, पता होना चाहिए। यूपी में सर अभी 2 दिन का लॉकडाउन लगा था ना, आज सर 13 तारीख को खुलेगा, ये इसी वजह से कोरोना के मद्देनजर ध्यान रखते हुए स्वच्छता अभियान बड़े पैमाने पर चलाया गया कि भैया कोरोना को भगाना है, ऐसा सरकार ने काम किया है हमारी योगी सरकार ने, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। अरे वही तो उत्तर प्रदेश है जनाब, जिसके भैया हम बारे में सब कुछ जानते हैं, आइए जरा हम चर्चा कर लेते हैं क्या इसके बारे में जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या जानते हैं सर। ये पीलीभीत है, पूछा जाता है कि यूपी के वो कौन से जिला हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जनाब बता दें हम आपको कौन से जिला हैं, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिला नेपाल से सीमा साझा करते हैं जनाब, एक पेज पर आराम से लिख लेना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे सुशील स्टडी परिवार के सदस्य जरूर इस चीज को लिखेंगे, क्योंकि ये सर मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, उत्तराखंड से नहीं इतना पूछा जाता है सर, ये नेपाल से, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रही है ना, इस वजह से पूछा जाता है। बिल्कुल सर, यहाँ तो अपनी रोटी बेटी का संबंध था नेपाल वालों से, पर हुआ क्या, जो तो भैया ये पॉलिटी है, इसे तो भैया समझना ही बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है सर, ये थी कहानी, और जिसको भी जुनून हो ना, वो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट याद कर सकता है, जिसके लंबे सपने होंगे ना मेरे प्यारे साथी, बहुत बड़े सपने सजो कर रखे होंगे। अच्छा, पूर्वी जिला सर देखना, बलिया है जो बिहार में लगा हुआ है, ये सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 अपने स्टेट से सीमा साझा करता है। बिल्कुल सर, आइए जरा और चर्चा कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 है, 1 सर राज्यपाल मनोनीत करते हैं, विधान परिषद 100 है। मेरे प्यारे साथियों, प्लीज कमेंट बॉक्स में, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, बताएंगे आप कि विधान परिषद और किन किन स्टेट में है। ठीक है सर, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में क्या चल रहा है, जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य है, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है, प्रवासी राहत मित्र ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी योगी सरकार ने हर्बल योजना चलाई थी, जो हाईवे के किनारे भैया औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे। अरे सर, एक और योजना चलाई थी हमने, कौन सी चलाई, अरे सर वो बालकों को पढ़ाने के लिए क्या चलाई थी बता देंगे क्या आप, श्रम विद्या ऐसी कुछ चलाई थी, नाम बता देना प्लीज कमेंट बॉक्स में। बड़े सर आगे स्थिति क्या है, 23:52 से लेकर के 30:24 उत्तरी अक्षांश, ये सिटी वाला सा सर पेट वाला ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मैं देख लूंगा एक बार, आप भी देख लेना, 70:05 से 84 सर, ये याद कर लेना चाहिए। यदि आप यूपी की सर एसआई की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी यूपी की भैया स्टेट की तैयारी कर रहे हो ना जनाब, तो आराम से यूपी स्पेशल अलग से आता है, अलग से हम पढ़ाएंगे भी आपको मेरे प्यारे साथियों, जब भी कोई एग्जाम आएगा। अक्टूबर 1947 को हिंदी राजकीय भाषा की घोषणा की गई थी, 26 जनवरी 1968 को हिंदी को सभी कार्यालय में अनिवार्य किया गया था,
उर्दू को 1989 में द्वितीय राज्य की भाषा घोषित की गई। पहले सर 1947 में हिंदी, 1989 में राज्य की भाषा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ 15 अगस्त 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक थे। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन है। मेरे प्यारे साथी जो यूपी से बिलोंग करते हैं ना जनाब, जिन्होंने यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया है ना सर, उन्हें सब अच्छे से पता है कि सर ये वाकई में क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बीवी मलिक थे, प्रथम पुरुष राज्यपाल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे सर, 1877 में उत्तर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का कहते थे, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कहा गया था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और उत्तर प्रदेश का द्वितीय पुनर्गठन सर 9 नवंबर 2000 को 13 जिला अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था। बहुत सारी जानकारी है, जरा आपको लिख लेनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बड़े सर आगे हम तो एक और मैप लेकर के आए थे जनाब, वो कहाँ चला गया भाई। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है, तो 11 जुलाई को भैया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है। पॉपुलेशन को मद्देनजर ध्यान रखते हुए सर 1989 में ही हमारी 5 अरब आबादी हो गई थी, अब तो लगभग 7-8 अरब आबादी होने जा रही है सर। जनसंख्या को बढ़ते हुए देखते हुए सर पूरे विश्व ने सर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। अब की बार इसकी थीम है कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें। वाकई में सर ये गर्व होता है इस चीज़ का सोच करके, जैसे आपने अभी देखा था हो यंग की का सर, ये हनी टैप जो सिस्टम चलता है ना जनाब, किसी भी महिला से आप, इतना लोगों की नेगेटिव सोच हो चुकी है ना, पता नहीं ये कैसे लोग हैं सर। किसी भी महिला से आप बात भी करेंगे ना, आर लोग भाई गलत ही सेंस लगाते हैं। इनके तो माइंड में कभी पॉजिटिव आता भी है कि नहीं आता, ये तो मैं बड़ी विडंबना की बात है सर। बड़े सर आगे बिल्कुल, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन वर्ड विंग तितली को भारत में सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है। अरे सर गोल्डन वर्ड विंग याद कर लेना ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, इसका खिताब सर उत्तराखंड में है, तितली का सबसे बड़ी तितली है। अरे वही तो उत्तराखंड है जो भी पढ़ा था 2000 में 13 जिला करके अलग किया गया है यूपी से। जी सर ये है तितली, याद रख लेनी चाहिए, माइंड में पिक्चर छप जाएगी। उत्तराखंड की बात करें सर तो अभी सर लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया था, उत्तराखंड में बनाया गया था। राजधानी देहरादून है जो बदलकर भैया शीतकालीन गैरसैन हो जाती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी यहाँ पर है तो शांत घाटी केरल में है। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70 है। जरा मैं जूम करके एक बार उत्तराखंड को दिखा देता हूँ जहाँ लाइकेन पार्क था, याद रख लेना चाहिए जनाब। आएगा मेरे प्यारे साथियों, लाइकेन पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की सीमा ये है सर प्यारा सा उत्तराखंड, यहाँ से ही पास भैया निकाला गया था, पिथौरागढ़ से लिपुलेख पास निकाला गया था, बिल्कुल याद होना चाहिए। बड़े सर आगे बिल्कुल, ये थी कहानी, आपको मैंने बहुत ही जल्दी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। हाल ही में बॉर्न बीबी खबरों में थी, वह हैं सर बताएं आपको, बॉर्न बीबी अभी चर्चाओं में थी, पश्चिम बंगाल से हैं ये, वैसे बांग्लादेश में भी। ये सर सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है सर, पश्चिम बंगाल में और बंगाल की खाड़ी में, बिल्कुल सुंदरबन डेल्टा है, बांग्लादेश में भी लगता है बिल्कुल। सर गजब की बात यह है सुंदरबन डेल्टा की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ मैं सर, ध्यान से समझना है, दोबारा सुने, बॉर्न बीबी क्या है, सुंदरबन डेल्टा में ये एक बीबी, एक ये भैया ये माता की मूर्ति है जिसे पेड़ पर स्थापित कर दिया गया है। किस वजह से, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा में सर यहाँ का टाइगर पाया जाता है जिसे हम बंगाल टाइगर कहते हैं। यहाँ सर जब ये लोग यहाँ के घूमने जंगल में आते हैं तो भैया ये टाइगर हमला कर देता है, और ऐसी यहाँ की भैया श्रद्धा है कि ये बॉर्न बीबी उस टाइगर से इन लोगों को बचा लेती है, तो बहुत ज़्यादा इनकी पूजा की जाती है सर, पूजा अर्चना जो भी है
सारी चीजें की जाती हैं। कहाँ पर है बोन बीबी? सुंदरबन डेल्टा में। सर दिखा दीजिए एक बार कि इनका फोटो कैसे है, ये रक्षा हमारी कैसे करती हैं। एक बार हम इसकी कहानी भी सुना देते हैं जनाब। बोन बीबी की ये सऊदी अरब के अंदर एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था सर। किन का? बोन बीबी का। ये सर राक्षसों का वध करती थी। ये भैया राक्षसों का वध करते करते सुंदरवन डेल्टा में आ गई। सुंदरवन डेल्टा में इन्होंने देखा कि यहाँ बंगाल टाइगर इन लोकल लोगों का बहुत ज्यादा अत्याचार करता है सर। तो ये यहाँ पर आकर के स्थापित हो गई और इन लोगों की रक्षा करने लगी। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल का सर अभी ये अम्फान आया था ना, बिल्कुल इस अम्फान से बचाने का काम भी बॉन बीबी ने किया था। ये थी सर कहानी। आइए हम जरा और चर्चा कर लेते हैं सुंदरबन डेल्टा की जनाब। ये पेड़ पर ऐसा नहीं सर एक पेड़ पर है, ऐसे हजारियों पेड़ पर इनकी मूर्ति की पूजा की जाती है सर। अच्छा यह गजब बात हुई ना सुंदरबन डेल्टा। अरे जनाब वही तो सुंदरबन डेल्टा है जिसे हम बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं, क्योंकि सर ऐसे पक्षी के आकार का होता है। वर्ड माने पक्षी, फुट माने पैर। भैया ये पक्षी के आकार का होता है ना, इस वजह से सुंदरबन डेल्टा को बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। सर हमने तो एक सवाल और पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि सुंदरबन डेल्टा में दलदली जमीन पाई जाती है। हमने गजब बात पढ़ी है आपने। फिर क्या हुआ आगे? सुंदरबन डेल्टा में दलदली भूमि होती है ना सर, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। जहाँ ये पेड़ होते हैं ना जनाब, इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। भैया ऑक्सीजन के प्यार मोहब्बत में ये जड़ें ऊपर निकल आती हैं। किस लिए? ऑक्सीजन को लेने के लिए। इसे हम न्यू मेटाफोर कहते हैं। अच्छा सर श्वसनी जड़ें कहते हैं हमने की, बिल्कुल सही पढ़ा। पूछा जाता है न्यू मेटाफोर क्या है सर? ये दलदली जमीन से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जड़ें ऊपर आ जाती हैं, इसे न्यू मेटाफोर कहते हैं जनाब। बिल्कुल ये थी सुंदरबन डेल्टा की कहानी, जिसे हम बर्ड फुट डेल्टा भी कहते हैं सर। ये बेबी मो ये बॉर्न बीवी है। बिल्कुल सर पश्चिम बंगाल की चर्चा कर ही दी है, तो आइए हम पश्चिम बंगाल के बारे में हम सिखा देते हैं आपको। राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, लोकसभा 42 है और राज्यसभा 16, विधानसभा 294, राष्ट्रीय उद्यान बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नेओरा घाटी, सिंगालीला, सुंदरवन है। जरा एक बार में जूम करके दिखाई देता हूँ सर, पश्चिम बंगाल है कहाँ? वेस्ट बंगाल की सीमा अपने पड़ोसी सर ओडिशा, आए दिन ओडिशा का तो सब कुछ जानते हैं हम। ओडिशा से सीमा साझा करता है झारखंड से, बिहार से। और इधर मेरे प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें ना पश्चिम बंगाल की, तो नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से लगाता है। पूछा जाता है एक बार सर, पूछा भी गया है SSC में कि पश्चिम बंगाल की चोटी किसे कहते हैं? सिक्किम को कहते हैं। यहाँ से ही सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर निकलता है। कहाँ से निकलता है सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर? हमने कहा बिल्कुल जिस जगह में ये हाथ चला रहा हूँ ना, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं। ठीक है सर बड़े आगे। बिल्कुल प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? प्रत्येक घर में सर ये उज्ज्वला योजना के तहत जो LPG का काम चलाया गया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये सर हरियाणा मतलब हिमाचल प्रदेश ने ऐसा काम कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक घर कनेक्शन हुआ, ऐसा पहला राज्य बना है ये पूरे भारत का, हिमाचल प्रदेश है सर। आइए सर जरा हम हिमाचल प्रदेश की भी चर्चा कर ही लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ये है सर, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ये सर जम्मू कश्मीर लद्दाख से सीमा लगाता है, पंजाब से, हरियाणा से और उत्तराखंड और UP से भी सीमा लगाता है। ठीक है सर हिमाचल प्रदेश में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68, राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालय, इंदारीला, इंद्रीला, खिरगंगा, सिंबलवारा है। ये याद रखने चाहिए ग्रेट हिमालय, इंद्रीला, खिरगंगा, सिंबलवारा है। ठीक है सर मेरे प्यारे साथियों 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये पूरा का पूरा भैया कहाँ पर मिलता है? हमारा टेलीग्राम सुशील स्टडी पर मिलता है। ठीक है सर अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों, मैंने बिना किसी बातें किए हुए आपको सेशन को बेहतरीन तरीके से समझाने की सरल भाषा में बात की।
ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने परिवार को बढ़ाने का कर्तव्य भैया पूरा निभाएं। हम रोजाना डेली आपके लिए करंट लेकर के आते हैं, तो इतना कर्तव्य तो आपका भी तो बनता है सर कि परिवार को अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ाने का, क्योंकि आप परिवार के मेंबर हैं। सर ये परिवार जब बढ़ता है ना तो प्रत्येक मेंबर का सर उसमें सहयोग होता है, ऐसा नहीं है सर एक ही मेंबर काम करेगा तो परिवार बढ़ जाएगा, नहीं जनाब, परिवार में प्रत्येक सदस्य का सर महत्व उतना ही होता है, और आपका परिवार है सर। आप जितनी जल्दी परिवार को बढ़ाएंगे परिवार अपनी मंजिल की तरफ आराम से बढ़ता जाएगा और एक दिन अपने सपने जरूर पूरा कर लेगा। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे सभी साथी, सभी मेरे विद्वान साथी, मेरे प्यारे साथियों जरूर सेशन को एक बार दम लगा करके सारे ग्रुपों में शेयर करेंगे, और सर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।